अगर आप 10 लोगों को किसी मल्टीबैगर शेयर में पैसे लगाने की पक्की सलाह देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो ही लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, ये कहा है अजय कायन ने। 1980 और 1990 के दशक में अजय कायन का नाम कोलकाता के मनी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी जाना माना था। अजय कायन ने अपने दोस्त और मशहूर निवेशक राकेश झुनझुनवाला के बारे में कई खास बातें बताई हैं। राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में 14 अगस्त को निधन हो गया। अजय कायन कहते हैं कई चीज़ें राकेश झुनझुनवाला को दूसरों से अलग करती थी। 65 साल के अजय कायन को हर्षद मेहता का धुर विरोधी माना जाता था। हर्षद मेहता को इंडियन स्टॉक मार्केट का पहला बिग बुल माना जाता है। हालांकि 1990 के दशक की शुरुआत में उन पर स्टॉक मार्केट में बड़ा स्कैम करने का आरोप लगा। इसे हर्षद मेहता स्कैम के नाम से जाना जाता है। अजय कायन ने मनी कंट्रोल को बताया, राकेश झुनझुनवाला से मेरी मुलाकात 1986 में हुई थी। दूसरे लोगों की तरह वो मार्केट में अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसी सिलसिले में उनसे मेरी मुलाकात हुई। तब अजय कायन फाइनेंशियल मार्केट में अपनी मजबूत जगह बना चुके थे। इसकी वजह ये है कि उन्होंने काफ़ी पहले 70 के दशक में अपना करियर शुरू कर दिया था। अजय कायन बताते हैं कि राकेश झुनझुनवाला बहुत महत्वाकांक्षी थे। वे कहते हैं राकेश झुनझुनवाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। वे तुरंत कंपनी की बैलेंस शीट को देख सटीक अनुमान लगा देते थे कि कंपनी ने आंकड़ों के मामले में ईमानदारी बरती है या नहीं। वो समय अलग था, इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को देखने के लिए होड़ मच जाती थी। उन्होंने आगे बताया, तब कंपनियां 6 महीने में एक बार अपना फाइनेंशियल रिजल्ट पेश करती थी। आज की तरह इन्वेस्टर्स से मिलने में उनकी दिलचस्पी नहीं होती थी। आज कंपनियां एनालिस्ट और फंड मैनेजर से बातचीत करने में खुद दिलचस्पी दिखाती हैं। सभी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती हैं। 1980 और 1990 के दशक में जब कभी अजय कायन मुंबई आते थे तो उनकी मुलाकात राकेश झुनझुनवाला से रोजाना होती थी। दोनों कई कंपनियों के बारे में बातचीत करते थे। अजय कायन ने कहा कि हम निजी मसलों के बारे में भी बातचीत किया करते थे, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। अजय कायन ने कहा, राकेश झुनझुनवाला ने शुरुआती पैसा शेयरों की शॉर्ट सेलिंग से कमाया। वे मुझसे उन कंपनियों के बारे में ज्यादा चर्चा करते थे जिनकी वैल्यूएशन ज्यादा थी और फिर वे उनमें शॉर्ट सेलिंग करते थे। वे वक्त ऐसा था जब बुल्स के मुकाबले बीयर्स ज्यादा पैसा कमाते थे। तब बैंकों का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हुआ करता था। बीएससी के बदले सिस्टम के जरिए लॉन्ग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करने पर 25-30% खर्च आता था। इसके उलट ट्रेड सेटलमेंट टालने के लिए तैयार होने पर बीयर्स को 25-30% मिल जाता था। उन्होंने कहा कि तब इकोनॉमी के बारे में भी आज के मुकाबले खराब खबरें सुनने को ज्यादा मिलती थी। इस वजह से कीमतें चढ़ती कम थी और गिरती ज्यादा थी। लेकिन बीयर्स को भी पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। कई महंगे शेयरों का वैल्यूएशन लंबे वक्त तक हाई बना रहता था। इसके अलावा प्रमोटर्स भी अपने शेयरों को सपोर्ट करने की कोशिश करते थे। अजय कायन ने कहा, हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसके पास खोने के लिए बहुत कम और पाने के लिए बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कम ही लोग इस मौके को समझ पाते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने शायद इस चीज को समझ लिया था, फिर उन्होंने इसका फायदा उठाया। उनमें रिस्क लेने की गजब की क्षमता थी, लेकिन वो जिंदगी में किस्मत की भूमिका पर भी भरोसा करते थे। कई अच्छे ट्रेडर्स इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि उन्हें लगता था कि वे बहुत होशियार हो चुके हैं। आप बतौर ट्रेडर चाहे कितना भी अनुभवी हो जाएं, लेकिन सही मौके पर सही जगह होने के लिए कई दूसरी चीजों की जरूरत होती है। राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपए के साथ 1985 में स्टॉक मार्केट में अपना करियर शुरू किया था। इस साल जुलाई में उनकी संपत्ति $5.5 अरब पर पहुंच गई थी। टाइटन उनका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट था। ये दिलचस्प है कि वे करूर वैश्य बैंक के शेयरों के बारे में ज्यादा बात करते थे। वे 1990 के दशक से इस शेयर में निवेश बढ़ा रहे थे जब वे एक ट्रेडर थे।